प्लीज रो मत रचना, प्लीज एक बार मौसा जी की तरफ से सोच कर देखो। इतनी बड़ी बात हो गई और उन्हें पता तक नहीं चला, और आज जब मालूम हुआ तो भी ऐसे। Obviously, उन्हें धक्का तो लगा ही होगा ना, पर फिर वो तुम्हारे पापा हैं, इस घर के बड़े, उनके लिए बहुत बड़ी बात है रचना। You will feel cheated, right? इसीलिए उन्हें थोड़ा वक्त दो। After all, वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी ही साइड लेंगे और हम भी। After all, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी साइड लेंगी ना। ना बेटा, सॉरी मम्मी, आप हो ना इसलिए इतना सब कुछ मुश्किल होते हुए आसान है। आज आपको हमारी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा, सॉरी मम्मी। ऐसा सोचते भी नहीं है और ना ही ऐसा बोलते हैं। हम तुम्हारी माँ हैं, हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया बेटा और कुछ नहीं। अब चल, ये कीमती आंसू बहाना बंद करो, और रहा सवाल तुम्हारे पापा का, तो वो तुम्हारे पापा है बेटा। कब तक तुमसे नाराज होंगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए पानी लेकर आए। मौसी जी, आप यहाँ रचना के साथ रुकिए, मैं पानी ले आती हूँ। हाँ बेटा। आओ। अब कुंजन सुनो, रचना कैसी है? ठीक है। कुंजन सुनो, मुझसे बात भी नहीं करोगी? कुछ बात करने को रह गया हो तो बात करें। मुझे कुछ कहने, कुछ कुछ समझाने का मौका तो दो। प्लीज मैं, रहने दो। लिसन कुंजन, मेरा मैं जब हमारे पास एक दूसरे से कहने को कुछ रहा ही नहीं, तो फिर टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है।